प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है इस ऑनलाइन डिजिटल लर्निंग में। तो चलिए शुरू करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन से। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर सिस्टम और अकॉर्डिंग टू हिस्टोरिकल एडवांसमेंट हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। अब ये कंप्यूटर सिस्टम की पीढ़ियों के बारे में बात कर रहे हैं कि हमारी जितनी भी लास्ट जनरेशन्स रही हैं वो सारी की सारी डिटेल में दी हुई है यहाँ पे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन दोनों हिसाब से पूछ लेते हैं कि अकॉर्डिंग टू हिस्टोरिकल एडवांसमेंट हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंप्यूटर या जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, तो कन्फ्यूज़ नहीं होना है आप लोगों ने। तो चलिए शुरू करते हैं अपने फर्स्ट पॉइंट से, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स। अब कंप्यूटर की जो फर्स्ट जनरेशन है वो 1946 से लेकर 1954 तक ली गई है। अब इसकी जो फीचर्स क्या थी, उन फीचर्स के बारे में पहले बात करते हैं। इसमें क्या क्या फीचर्स थी। इनका जो मेन कंपोनेंट होता था वो मेन कंपोनेंट ये यूज़ करते थे वैक्यूम ट्यूब्स को। अब ये वैक्यूम ट्यूब्स का काम होता है कंप्यूटर में इलेक्ट्रॉनिक फंक्शंस परफॉर्म करके, जो भी इनपुट आउटपुट रिडायरेक्ट करना। ठीक है, अब ये जो वैक्यूम ट्यूब्स होती थी वो देखने में कुछ इस तरह की होती थी। ये वैक्यूम ट्यूब्स हैं, इस तरह की होती थी वो वैक्यूम ट्यूब्स। ठीक है, अब साइज जो होता था इनका इक्वल टू ए बिग रूम। अब इनका जो साइज होता था एक बहुत बड़े कमरे के बराबर इनका साइज होता था। जो इनकी स्पीड होती थी 100 ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड, हर एक सेकेंड में ये सिर्फ 100 ही इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट कर पाते थे। ठीक है, लेकिन आज के हिसाब से तो खरबों के हिसाब से इंस्ट्रक्शन जो पर सेकेंड में परफॉर्म होती हैं, मिलियंस ऑफ और बिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन। ठीक है, मेन मेमोरी इसमें रैम रोम की जगह मैग्नेटिक ड्रम यूज़ करते थे। मैग्नेटिक ड्रम भी बहुत बड़े बड़े ड्रम होते थे, पानी की टंकियों की तरह होते थे। ठीक है, अब जो सेकेंडरी स्टोरेज, अब इसमें देखो सेकेंडरी स्टोरेज में जैसे आज के टाइम में सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है हमारी हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव्स हो गई, डीवीडीज हो गई, इनके टाइम में थी मैग्नेटिक ड्रम और मैग्नेटिक टेप्स होती थी, बहुत बड़े बड़े होती थी और ये भी साइज़ में पानी की टंकियों के साइज़ की तरह। अब देखो इसमें बात करते हैं इनपुट मीडिया की। अब इनपुट इनका में इनमें जो इनपुट मीडिया यूज़ किया जाता था पंच कार्ड और पेपर टेप होती थी, यानी कि कीबोर्ड और माउस की जगह पंच कार्ड और पेपर टेप का यूज़ किया जाता था, जो आप इंटरनेट पे देख सकते हो। जैसे मैंने अभी आपको दिखाया, तो आप भी इंटरनेट पे सर्फ करके आप इन चीज़ों को देख सकते हैं। अब बात करते हैं आउटपुट मीडिया की। आउटपुट मीडिया इसमें पंच कार्ड और प्रिंटर रिपोर्ट को यूज़ किया जाता था एज एन आउटपुट मीडिया। अब हम जो यूज़ करते हैं आउटपुट मीडिया में, आउटपुट मीडिया में होते हैं हमारे, या आपने देखा ही है प्रिंटर्स होते थे और बड़ी बड़ी एलसीडीज एलईडीज आ गई हैं। ठीक है, टीएफटी है, ओएलईडी है, प्लाज्मा है। तो ये आउटपुट मीडिया जो है हम आज के टाइम में ये यूज़ कर रहे हैं, लेकिन के टाइम में जो था इस जनरेशन में जो था वो पंच कार्ड और प्रिंटर रिपोर्ट्स होती थी। अब जो लैंग्वेज यूज़ करते थे, यानी कि कंप्यूटर में जो लैंग्वेज होती थी प्रोसेसिंग के लिए, यानी कि सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग के लिए, तो वो मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज यूज़ होती थी। अब फॉर एग्जांपल के कुछ एक एग्जांपल दिए हुए हैं कंप्यूटर्स के, एक एडवेक है, यूनिवेक है, मार्क वन है और मार्क थ्री है। एडवेक है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर और यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। मार्क वन और मार्क थ्री हैं, ये फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर के एग्जाम्पल्स हैं। अब सेकेंड जनरेशन की बात करें तो ये आती है 1955 से लेकर 1964 तक। ठीक है, इसकी जो फीचर्स हैं अब इनके बारे में बात करते हैं। अब यहाँ पे देखो फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब थी, इसमें मेन कंपोनेंट ट्रांजिस्टर आ गए फिर। ठीक है, जो पुर्जे थे ना वो ट्रांजिस्टर यूज़ करने लगे फिर। उसके बाद आता है साइज इनका जो स्मॉलर देन फर्स्ट जनरेशन। अब फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर से थोड़ा छोटे थे ये। अब इनकी जो स्पीड थी वो 1000 में चली गई, पहले 100 में थी, अब इसमें हज़ारों में चली गई। हज़ारों इंस्ट्रक्शन जो थी वो पर सेकेंड में परफॉर्म होने लगी। अब मेन मेमोरी जो थी इसमें मैग्नेटिक कोर यूज़ होने लगी, यानी कि रैम रोम जो आज हम यूज़ करते हैं। अब फर्स्ट जनरेशन में ये हमारे लिए मैग्नेटिक ड्रम थे मेन मेमोरी में, अब यहाँ पे मैग्नेटिक कोर यूज़ होने लगी है ना, रैम और रोम की जगह। जो सेकेंडरी स्टोरेज थी वो मैग्नेटिक डिस्क और मैग्नेटिक टेप्स, ये तो सेकेंडरी स्टोरेज की वो ही रही अभी सेम, वो ये नहीं चेंज हुई थी सेकेंड जनरेशन में। अब बात करें इनपुट मीडिया की, तो इनपुट मीडिया जो पंच कार्ड और मैग्नेटिक टेप ही थे सेकंड जनरेशन में भी थे। अब आउटपुट मीडिया में पंच कार्ड और प्रिंटर रिपोर्ट सेम आउटपुट मीडिया वही यूज़ होता रहा। अब बात करें लैंग्वेज की, तो लैंग्वेज में थोड़ी सी एडवांसमेंट हुई, असेंबली लैंग्वेज तो थी ही, लेकिन उसके बाद हाई लेवल लैंग्वेज लाइक फोरट्रेन आ गई, कोबोल हो गई आ गई और बेसिक आ गई। फोरट्रेन है फॉर्मूला ट्रांसलेशन, कोबोल को कॉमन ऑब्जेक्ट बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, और बेसिक है पी
बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शंस कोड, ठीक है, ये आ गई ये वाली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, ठीक है। अब इनके कुछ एक एग्जांपल दिए हुए, एटलस है और लियो, ये सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर्स हैं, ठीक है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट जनरेशन की तरफ, और आई थिंक ये आपने क्वेश्चन जो है 10th क्लास में भी पढ़े हुए हैं जनरेशंस के, या 9th क्लास में। चलिए अब बात करें हम थर्ड जनरेशन की, तो थर्ड जनरेशन के जो कंप्यूटर हैं वो 1965 से लेकर 1974 तक जो थे वो थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर्स माने गए। अब देखो इनमें जो मेन कंपोनेंट था वो इंटीग्रेटर सर्किट यूज होने लगा, ठीक है। इंटीग्रेटर सर्किट की मैं बात करूँ तो इंटीग्रेटर सर्किट जो था वो उस तरह का होता है, देखने में ये है आईसी, ठीक है। फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब सी, सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर यूज होने लगी, और थर्ड जनरेशन में ये आईसी यूज होने लगे मेन कंपोनेंट। अब बात करें साइज की, तो स्मॉलर देन सेकेंड जनरेशन। अब सेकेंड जनरेशन से इनका जो साइज था वो छोटा था। अब बात करें इंस्ट्रक्शंस की, तो इंस्ट्रक्शन चली गई मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड, यानी कि हर सेकंड में जो थे वो लाखों के हिसाब से इंस्ट्रक्शंस परफॉर्म होने लगे, एग्जीक्यूट होने लगे। अब बात करें मेन मेमोरी की, तो मैग्नेटिक कोर यूज़ ही कर रहे थे सेकंड जनरेशन की तरह, और सेकेंडरी स्टोरेज में मैग्नेटिक डिस्क और मैग्नेटिक टेप से यूज़ हो रही थी। और इनपुट मीडिया की बात करें तो की टू टेप एंड की टू डिस्क यही यूज़ किए कर रहे थे। इनपुट मीडिया जो था वो थोड़ा सा चेंज हो गया, ठीक है, पंच कार्ड की जगह की टू टेप और की टू डिस्क आ गई, को भी हम नेट पे इसी तरह से देख सकते हैं। आउटपुट मीडिया जो था वो वीडियो आ गया, विजुअल डिस्प्ले यूनिट और प्रिंटेड रिपोर्ट्स, जिसमें वीडियो आ गया, यानी कि पुराने टीवी देखे होंगे आपने, बड़ी बड़ी ट्यूब्स लगी होती हैं, सीआरटी लगी होती हैं, विजुअल डिस्प्ले यूनिट्स। अब बात करें लैंग्वेज की, तो लैंग्वेज चली गई हाई लेवल लैंग्वेज लाइक कोबोल, बेसिक, पास्कल और सी आ गई फिर, ठीक है। पास्कल भी आ गई, जो ब्लेज पास्कल ने बनाई हुई है उसकी है ये पास्कल लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग ये यूज़ होती है, जो सॉफ्टवेयर हम देख रहे हैं ना आज के टाइम वो उन सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए इस तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ की जा रही थी। अब बात करें इन कंप्यूटर्स के एग्जांपल की, तो IBM इंटरनेशनल बिजनेस ऑफ मशीन 307 सीरीज है इसकी, IBM 360 और सीरीज साइबर 175 जो थे वो थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर्स रहे हैं, ठीक है। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट जनरेशन की तरफ, बात करते हैं फोर्थ जनरेशन की, तो ये फोर्थ जनरेशन जो है वो 1975 अप टू प्रेजेंट जो है वो फोर्थ जनरेशन है कंप्यूटर की। अब मेन कंपोनेंट जो था इसमें वो लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट यूज होने लगे हैं। आईसी मैंने दिखाया था ना, ये थोड़ा सा LSIC यानी कि उसी की तरह ही होता है ये भी देखने में, सेम आईसी की तरह ही, लेकिन इसकी जो परफॉर्मेंस थी वो उससे भी बेटर थी, ठीक है। तो LSI में देखें अगर, यहाँ पे जो कंप्यूटर का जो साइज था वो इक्वल टू द साइज ऑफ टाइपराइटर आ गया फिर, ठीक है। अब कंप्यूटर का जो साइज़ था वो और धीरे धीरे कम होने लगा, टाइपराइटर के बराबर उसका साइज आ गया। स्पीड जो थी वो बिलियंस में चली गई, ठीक है, बिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड में परफॉर्म होने लगी, अरबों के हिसाब से चली गई। मेन मेमोरी जो थी इसमें LSI सेमी कंडक्टर सर्किट को यूज करने लगे फिर, LSI सेमी कंडक्टर सर्किट यूज होने लगे, सेमी कंडक्टर मटीरियल यूज होता है जो मेन मेमोरी है ना रैम और रोम, उसमें जो सेकेंडरी मेमोरी है वो मैग्नेटिक डिस्क आ गई, फ्लॉपी डिस्क आ गई, फिर ऑप्टिकल डिस्क आ गई, सीडी डीवीडीज वगैरह आ गई, मैग्नेटिक डिस्क, ठीक है, हार्ड डिस्क को बोलते हैं मैग्नेटिक डिस्क। इनपुट मीडिया जो था वो कीबोर्ड और डायरेक्ट इनपुट डिवाइसेस, ऑप्टिकल स्कैनिंग भी यूज़ होने लगी, ठीक है, कीबोर्ड डायरेक्ट इनपुट डिवाइसेस आ गई, ऑप्टिकल स्कैनिंग का भी काम शुरू हो गया इनपुट डिवाइसेस में, वो पता ही है आपको कैसी होती हैं इनपुट डिवाइसेस। आउटपुट मीडिया जो था वो वीडियो, स्पीकर और प्रिंटेड रिपोर्ट, सेम वैसे ही चलता रहा। लैंग्वेज ही हुआ हाई लेवल लैंग्वेज, C++, जावा, विजुअल बेसिक और SQL आ गए, ठीक है। इन लैंग्वेज से और भी सॉफ्टवेयर एडवांस होने लगे। अब बात करें इन कंप्यूटर्स की एग्जांपल की, तो उसमें क्रेटू और परम, ठीक है, परम जो था हमारा सुपर कंप्यूटर, परम 8000, क्रेटू और परम, इंडियन सुपर कंप्यूटर जो है परम है ना, क्रेटू आ गए, ये फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स के एग्जाम्पल हैं। अब बात करते हैं फिफ्थ जनरेशन की, तो कंप्यूटर की जिस जनरेशन में हम चल रहे हैं वो कंप्यूटर की फिफ्थ जनरेशन है। अब इसमें जो मेन कंपोनेंट है वो सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट आ गए, ठीक है, सुपर लार्ज स्केल जो यूज़ होने लगा ना CPU का, वो सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट में यूज़ होने लगा इसका। अब SLIC अगर आपको मैं दिखाऊँ तो SLIC ये है SLIC, ठीक है, बड़े बड़े SLIC, तो
ये आ गया हमारी फिफ्थ जनरेशन में। अब इनका जो साइज था वो इक्वल टू द साइज ऑफ टाइपराइटर। साइज तो पता ही आपको फिफ्थ जनरेशन में कंप्यूटर का कितना हो गया है। जो स्पीड थी वो बिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शंस, बिलियन यानी कि अरबों के हिसाब से इंस्ट्रक्शन अभी परफॉर्म हो रही है। मेन मेमोरी जो बी एल एस आई सेमी कंडक्टर सर्किट ने ले लिया, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सेमी कंडक्टर सर्किट जो है, मेन मेमोरी यानी कि रैम और रोम है जो मटेरियल, उनको सेमी कंडक्टर सर्किट्स बोलते हैं, रैम एंड रोम। सेकेंडरी स्टोरेज वो ऑप्टिकल डिस्क ने ले ली है जगह, ठीक है। छोटी छोटी हार्ड डिस्क आ रही हैं। कैपेसिटी जो है वो पैटा एक्सा जेटा योटा बाइट में, ब्रोंटो बाइट में, जॉब बाइट में चली गई है। इनपुट मीडिया जो है वो स्पीच इनपुट भी जा रही है ना, माइक से इनपुट हो रही है। आउटपुट मीडिया वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम, ग्राफिक्स डिस्प्ले है। बड़े से बड़े एडवांस जो आउटपुट मीडिया है वो मार्केट में आ चुका है। तो ये थी कंप्यूटर की हमारी 5 जनरेशन, ठीक है। अब बात करते हैं मेमोरी की। मेमोरी को आपको आपको पता भी होगा मेमोरी के बारे में, ठीक है, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ मेमोरी। चलिए अब बात करते हैं मेमोरी के बारे में। तो मेमोरी का क्वेश्चन जो था वो आई थिंक आप लोगों ने मैट्रिक में भी पढ़ा हुआ है, रैम और रोम के बारे में। प्राइमरी मेमोरी रैम और रोम होती है, और सेकेंडरी मेमोरी हमारी हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव्स, ऑप्टिकल डिस्क होगी, डीवीडी, ब्लू रे, डीवीडीज वगैरह कुछ भी हैं, वो सारी की सारी हमारी सेकेंडरी मेमोरीज हैं। तो मेमोरी होती क्या है? मेमोरी इज ए स्टोरेज मीडिया। मेमोरी जो है को स्टोर करने का, संचय करने का एक माध्यम है। वेयर द डाटा स्टोर फॉर फ्यूचर यूज, जहाँ पे हम डाटा को भविष्य में इस्तेमाल के लिए रखते हैं। कंप्यूटर मेमोरी इज डिवाइडेड इनटू ए लार्ज नंबर ऑफ पार्ट्स। अब कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड की होती है, और इन पार्ट्स को, एंड दीज पार्ट्स आर कॉल्ड सेल्स, और इन पार्ट्स को हम क्या बोलते हैं, सेल्स। जो हमारा डाटा सेव होता है ना, सेल्स के अंदर सेव होता है, और मेमोरी लोकेशन भी बोलते हैं उनको, ठीक है। अब सेल्स की बात करें तो जैसे हमने एक्सेल में देखे हो ना, छोटे छोटे सेल्स बने होते हैं, वैसे ही सेल्स बने होते हैं, सेक्टर्स बने होते हैं, ठीक है। अब प्राइमरी मेमोरी है और दूसरी सेकेंडरी मेमोरी है। प्राइमरी मेमोरी में देखते हैं क्या होता है। प्राइमरी मेमोरी इज ऑल्सो नोन एज मेन मेमोरी और इंटरनल मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को और क्या बोलते हैं, मेन मेमोरी बोलते हैं, इंटरनल मेमोरी भी बोलते हैं। दैट इज इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद सीपीयू, जो सीपीयू के यानी कि प्रोसेसर के सीधे संपर्क में होती है। इट्स कंटेंट कैन बी डायरेक्टली एग्जीक्यूटेड बाई सी पी यू। इसके जो कंटेंट होते हैं ना, इसके अंदर जो कुछ भी कोड्स वगैरह होते हैं उनको डायरेक्टली जो है वो सी पी यू एग्जीक्यूट करता है। प्राइमरी मेमरीज ऑफ टू टाइप। अब प्राइमरी मेमरी जो है वो दो तरह की है, रैम एंड रोम, ठीक है। बाकी इनकी अपनी अपनी अलग टाइप्स हैं, रैम और रोम की, ठीक है। उसके बाद बात करें सेकेंडरी मेमरी की, तो सेकेंडरी मेमरी इज ए परमानेंट स्टोरेज मेमरी। जो दूसरी हमारी जो मेमरीज होती है स्टोर करने की, वो हमारा परमानेंट स्टोरेज की मेमरी होती है। प्राइमरी नहीं होती है हमारी, परमानेंट स्टोरेज का मीडिया जो होता है। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में हम परमानेंट डाटा को स्टोर करके रख सकते हैं। दैट द डाटा दैट स्टोर डाटा फॉर फ्यूचर यूज़, जो हम डाटा जो है फ्यूचर में इस्तेमाल के लिए इसको स्टोर करके रख लेते हैं। एंड इट इज़ नॉट इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद सी पी यू, और ये सीधे सी पी यू के संपर्क में नहीं होती है। इट्स कंटेंट्स आर नॉट लॉस्ट व्हेन वी स्विच ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। बोल रहे हैं कि इसके जो कंटेंट होते हैं वो लॉस्ट नहीं होते हैं जब हम कंप्यूटर को पावर ऑफ कर देते हैं। जबकि प्राइमरी मेमोरी के जो कंटेंट होते हैं ना, रैम के मोस्टली, रोम के तो रिटर्न ही उसके अंदर ही रहते हैं, ये रीड ओनली मेमोरी है। रैम के जो होते हैं कंटेंट, वो लॉस्ट हो जाते हैं। सम सेकेंडरी मेमरीज आर, कुछ एक सेकेंडरी मेमरीज दी हुई हैं, सी डी, डी वी डी, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव और फ्लॉपीज है, ठीक है। अब बात करें ना प्राइमरी मेमोरी, तो प्राइमरी मेमोरी का काम मैं ऐसे ही बता देता हूँ आपको क्या होता है। प्राइमरी मेमोरी में रैम का काम होता है जो हम हार्ड डिस्क के ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम या सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करके रखते हैं ना, उनको रैम उठाती है। रैम रोम, रोम के अंदर एक बूटस्ट्रैप कोड लिखा होता है, वो कोड क्या करता है, हार्ड डिस्क से उठाता है और उसको रैम के अंदर लेके आता है। इनकी रोम क्या करती है, हार्ड डिस्क में से सॉफ्टवेयर या विंडो के एक पोर्शन को उठाती है और उसको रैम में लेके आती है। ये काम होता है प्राइमरी मेमोरी का, इसलिए ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में रहती है सीपीयू के, क्योंकि सीपीयू को जब जरूरत पड़ती है तो ये एकदम से इन कमांड भेजता है रोम को कि सॉफ्टवेयर मांगा है यूज़र ने, तो सॉफ्टवेयर को उठाए हार्ड डिस्क से और रैम के अंदर दिखाए, ठीक है। तो ये काम होते हैं प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। तो आज के लिए हमारा जो कॉन्सेप्ट था, जो बेसिक जो आपने पढ़े हुए हैं, वो इतना ही काफ़ी था। कल फिर हम नए टॉपिक्स के साथ मिलेंगे, अगले टॉपिक्स हम आराम से करेंगे। ये लास्ट टाइम यानी कि लास्ट ईयर में आप लोगों ने स्टडी किए हुए हैं, इसलिए थोड़ा सा इसकी स्पीड मैंने रखी हुई है कि ताकि अगले भी हमारे कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए, ठीक है। तो जो कॉन्सेप्ट आपको ऑलरेडी ही क्लियर है तो उनके ऊपर क्यों ज़्यादा टाइम हमने ये लगाना, तो ठीक है। तो चलिए फिर हम कल मिलेंगे नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक आप सभी घर पर रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय हिमाचल।